नमस्कार दोस्तों, पिंकी किचन वालों का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बाजार जैसे आलू टिक्की चाट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टिक्की बनाने के लिए आलू तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए। अब थोड़ा सा बारीक काटे हुए धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और 2 काटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर पाउडर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार कॉर्नफ्लावर पाउडर डालने से टिक्की जो है हमारा कुरकुरे नहीं बनता है। मैंने यहाँ पे चावल का आटा का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा नरम लग रहा था तो हमने और थोड़ा चावल का आटा इसमें डाल दिया। अगर ये थोड़ा नरम हो जाए तो अभी चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारा आलू तैयार है। तो हम भी इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलिए तब तक हम चना छोला बना लेते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, 2 कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कली लहसुन भी डाल दिया है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होना चाहिए। ये फ्राई हो चुका है। अब हम गैस बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे और मिक्सर में पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करने के लिए देंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 1 तेज़पत्ते डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला में कलर आ चुका है, तो ये पक चुका है। तो मैंने 200 ग्राम चना उबाल लिया था। अब हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए पक चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर और नमक डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसको उतार देंगे। तो हमने जो आलू बना के रखे थे हम उसको अब इसी तरह गोल गोल टिक्की बना लेंगे। आप सारे आलू को इसी तरह टिक्की बना लीजिएगा। तो मैंने सारे टिक्की तैयार कर लिया। तो हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ml तेल डाल दिया। तो अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम उसमें टिक्की फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार में 3 टिक्की फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका पैन ज़्यादा बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। तो आप टिक्की को लो फ्लेम में फ्राई करें ताकि हमारा टिक्की जो है अंदर से अच्छे से पक जाए। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो
तो नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए ये ब्राउन कलर आ चुका है, तो हम इसको पलट देंगे। अब दूसरी तरफ भी धीमी आंच में इसी तरह पका लेंगे। तो देखिए हमारा टिक्की अच्छे से पक चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब बाकी की टिक्की भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे टिक्की मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। तो चलिए अब हम चाट के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पुदीना का पत्ता डाल दिया, आधा कटोरी धनिया पत्ता डाल दिया, तो कटे हरी मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा अदरक डाल दिया। अब हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा हरी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम आलू चाट बना लेते हैं। तो आलू चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू टिक्की ले लिए हैं, तो उसको हम तोड़ लेंगे। अब इसमें दो चम्मच चना छोले डाल देंगे, आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम इसमें एक चम्मच दही डाल देंगे, एक चम्मच हरी चटनी डाल देंगे, एक चम्मच मीठी चटनी डाल देंगे, आप थोड़ा सा कटे हुए प्याज डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आप ये बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च ना डालें। अब आप इसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर डाल देंगे, हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें कद्दूकस किए गाजर डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ते डाल देंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा भुजिया डाल देंगे। तो देखिए हमारा आलू टिक्की बनके तैयार है। तो लग रहा है ना एकदम बिल्कुल बाजार जैसा। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। और अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।